नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हेल्थ क्यू चैनल में। ये एक हेल्थ अवेयरनेस चैनल है जहां मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको मोटिवेट कर सकूं आपके हेल्थ के प्रति। आज हम बात करेंगे बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बारे में। ये बैक पेन के मरीजों के लिए कितनी हेल्पफुल है, कब करनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको बैक पेन एपिसोड हुआ है, डेफिनेटली आपको ये सलाह ज़रूर मिली होंगी कि बैक की कुछ एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि बैक एक्सरसाइजेस बहुत तरीके की होती है और हर एक एक्सरसाइज हर एक अलग अलग ड्यूरेशन यानी किस फेज़ में, किस बैक पेन के फेज़ में आप हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती है। और इसीलिए कोई भी एक्सरसाइज इमीडिएटली शुरू करना एडवाइजेबल नहीं है। इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बैक पेन क्यों हो रहा है, किस चीज़ की वजह से हो रहा है और कौन से लेवल या कितने सीवियरिटी लेवल पे है, और उसी के आधार पर फिर ही एक फिजियोथेरेपिस्ट या एक डॉक्टर आपको कोई एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करते हैं। तो पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी रैंडम एक्सरसाइज करना शुरू मत कीजिए। अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द एक्सरसाइजेस। अब चलिए बात करते हैं बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज की। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है बैक ट्रेनिंग या फिर बैक पेन मैनेजमेंट का। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में बेसिकली फोकस किया जाता है जो हमारे कोर मसल्स है इसकी ताकत बढ़ाने के लिए। जो हमारी स्पाइन होती है इसको सपोर्ट करते हैं ये कोर मसल्स। हम जो इरेक्ट खड़े रह सकते हैं, हम जो इरेक्ट बैठ सकते हैं, हम जो मूव कर सकते हैं या चल सकते हैं, तो इस सारी चीज़ों में हमारा स्पाइन जो है ये इरेक्ट रहता है। और ये क्यों इरेक्ट रहता है? क्योंकि इन्हें सपोर्ट मिलता है हमारे कोर मसल्स का। ये कोर मसल्स होते हैं हमारे बैक एक्सटेंसर मसल यानी हमारे बैक के जो मसल्स है वो, हमारे एब्डोमिनल मसल्स, हमारे पेट के मसल्स, जी हाँ पेट के मसल्स भी सपोर्ट करते हैं, हमारे ग्लूट्स के मसल्स और हमारे थाई के मसल्स, या फिर हमारे हिप के मसल्स और हमारे थाई के मसल्स। ये सारा जो ग्रुप ऑफ मसल्स है इनकी ताकत को बढ़ाना, इसी को कोर मसल स्ट्रेंथनिंग कहते हैं या फिर बैक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम या बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कहते हैं। सिर्फ अगर आप सिर्फ आपके बैक मसल्स पे ही फोकस करोगे तो आपको कंप्लीट रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सिर्फ 5% या बहुत ही छोटा हिस्सा होता है हमारे कोर मसल्स का। लेकिन बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हमेशा तब की जाती है जब आपको बैक पेन या फिर बैक मसल स्पाज़म नहीं है। इसीलिए अगर आपको बैक पेन एपिसोड हुआ है तो पहले इनिशियल डेज में बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये उल्टा आपका दर्द बढ़ा देंगी। क्योंकि बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज इंटेंस एक्सरसाइज होती है, इंटेंस एक्टिविटी होती है, और ये एक्टिविटी और भी डैमेज कर सकती है और भी इंजुरी दे सकती है। इसलिए अगर आप इनिशियल फेज़ या फिर आपका बैक पेन अभी अभी शुरू है तो ऐसे दौरान आपने सिर्फ मोबिलिटी एक्सरसाइज या जेंटल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए जो सिर्फ मोमेंट मेंटेन करने में काम आती है और स्टिफनेस को प्रिवेंट करती है। एक बार आप आपके बैक पेन से बाहर निकल जाते हो उसके बाद ऑलमोस्ट 7 to 14 days या 2 हफ्ते के टाइम तक के आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाए, मसल्स में लचीलापन आ जाए और मसल्स का ब्लड फ्लो भी अच्छी तरीके से शुरू हो जाए। एक बार आपका ये मसल्स का जो ब्लड फ्लो है ये इम्प्रूव हो गया, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, उसी के बाद बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम शुरू करना चाहिए। अभी कितना गैप होना चाहिए मोबिलिटी एक्सरसाइज स्ट्रेचिंग प्रोग्राम और बैक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम, ये चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन आपका एज, आपका सीवियरिटी ऑफ बैक इंजरी या बैक पेन और बहुत सारे फैक्टर्स के अकॉर्डिंग। इसीलिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह या फिजियोथेरेपिस्ट का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब चलिए देखते हैं कि बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से क्या मिलता है, क्या गेन होता है। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने की वजह से जो मसल्स है इसकी ना ही सिर्फ ताकत बढ़ती है बल्कि इसका गर्थ यानी इसका जो साइज होता है वो भी इम्प्रूव होता है, जो एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है हमारे स्पाइन के लिए।
इस सपोर्ट की वजह से ही आप उन सारे स्ट्रेस को झेल पाओगे जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमारे स्पाइन को मिलते हैं। जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं तो बहुत बार खड्डों से होते हुए जाना पड़ता है, ये जो रोड के बम्प्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं हमारे स्पाइन पे और डैमेज क्रिएट करते हैं, और इसी की वजह से कई लोगों को झटका आता है और कमर का दर्द हो जाता है। कई बार हम अचानक से ट्विस्ट हो जाते हैं, टर्न हो जाता है, नीचे झुकते हैं और एकदम से उठते हैं। इन सारे मूवमेंट के दौरान अगर आपके मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ बनी हुई है तो ये बहुत ही आसानी से आपके स्पाइन के मूवमेंट को अलाउ करेंगे, आपके स्पाइन के अलाइनमेंट को बनाए रखेंगे और आपको बैक पेन नहीं होगा। मोस्टली बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज को फोकस किया जाता है स्पाइन एक्सटेंशन एक्सरसाइज में, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में, ग्लूटियल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज और थाई मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में। इन एक्सरसाइज को हफ्ते में 2 से 3 बार इनिशियली किया जाता है, बाद में ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका इन्वॉल्वमेंट और बाकी सारी एक्सरसाइज के साथ करना ज़रूरी है। इसीलिए अगर आप सारे हफ्ते भर एक्सरसाइज करते हो तो 2 से 3 दिन आप बैक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम को एड अप कर सकते हो और बाकी दिन एरोबिक एक्सरसाइज या योगा या और कोई भी फॉर्मेट का एक्सरसाइज अगर आप कर रहे हो दूसरे बॉडी एरियाज के लिए तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज से आपको बेनिफिट ये होगा कि पहले तो आप ये सारे ही जो स्ट्रेस और इंजरी होती है बैक पे उससे बच पाएंगे, उसको आप प्रिवेंट कर पाएंगे, उसके साथ ही साथ आपकी स्पाइनल अलाइनमेंट बनी रहेगी। सबसे बड़ा कारण बैक पेन का होता है वो होता है हमारा पोस्चर। पोस्चरल प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, कई लोगों को लॉर्डोसिस होता है, कई लोगों को काइफोसिस होता है, कई लोगों को सर्वाइकल लॉर्डोसिस हो जाता है। लॉर्डोसिस का मतलब है कि जो हमारे कमर का जो कर्व है ये बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाता है। ये सारी अलाइनमेंट का प्रॉब्लम, ये सारा जो प्रॉब्लम है इसको अलाइनमेंट इश्यूज कहते हैं, और इन अलाइनमेंट को आप मेंटेन करके रख सकते हो अगर आपके स्पाइन या फिर मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी बनी हुई है तो। इसके अलावा आप जो आपकी ईज ऑफ मूवमेंट है वो भी काफ़ी बढ़ जाएंगी विद द हेल्प ऑफ बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम। आप कोई भी मसल्स, आप कोई भी स्पाइन रिलेटेड मूवमेंट या जो डे टू डे आपकी एक्टिविटीज़ है इस पर कोई हिकअप्स आपको नहीं एक्सपीरियंस होंगे, आप बहुत ही स्मूथली आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हो। और इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का आपके एक्सरसाइज प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट होना। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपके लिए क्या ये सही टाइम और सही एक्सरसाइज फॉर्मेट है या नहीं, इसलिए एक फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह ज़रूर लें। अभी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे करें, तो बहुत सारे मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, फॉर्मेट्स हैं जिसके मदद से आप बैक स्ट्रेंथनिंग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पिलाटिस एक्सरसाइज, योगा, टाइची एक्सरसाइज, वेट लिफ्टिंग या कंडीशनिंग एक्सरसाइज, रेजिस्टेड बैंड एक्सरसाइज या फिजियोबॉल एक्सरसाइज, ये सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स एक्सरसाइज के, और किन्हीं भी फॉर्मेट को आप चूज कर सकते हो आपके अकॉर्डिंगली, जो आपको पसंद है, आपको मज़ा आता है करने में, और उसको पिकअप करके आप आपकी डे टू डे एक्सरसाइज को फॉर्मेट करके उसको कर सकते हो, और इसी की मदद से आप आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बनाए रख सकते हो। तो दोस्तों ये था एक शॉर्ट वीडियो एक्सप्लेन करने के लिए कि बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है और ये कब करनी चाहिए और इसके बेनिफिट क्या है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा, अगर हाँ तो ज़रूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ क्यू चैनल को। आपको मैं मिलूँगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।